हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। की हाल है सारे दा? अज बेटे आप मल्टीप्लीकेशन कर जा रहे हैं, ठीक है? मल्टीप्लीकेशन तो तुम कहो कि जी सा मैडम ने दस पहले कराया हो, ठीक है? तो तुम दिशा बाकी दसन जा रहे हो। आप बेटा की करना है, मल्टीप्लीकेशन सौखे तरीके नाल करनी है, जिद तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, तुम्हें तो लंबा जहा मैथड नहीं करना पेगा, ठीक है? उस तो बाद आप ठीक है मल्टीप्लीकेशन सीख ली, उस तो बाद मैं तुम्हें एक योजा तरीका दसागा जिद ना तुम्हें यह पता चलेगा कि तुम्हारा जो मल्टीप्लीकेशन है वो ठीक भी है कि नहीं है, ठीक है? वो कैसे पता करना है वो आप उन्हें ओके बच्चों, चलो हम आप देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। सब तो पहला आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले लें, मान लो 21 into 13, ठीक है? हुण तुसी लोग की करते हो भाई, 21 गुना आप 13 किया, उस तो बाद 3 1 जा 3 3 2 जा 6, उस तो बाद 1 2 1 जा 2, फिर आया आप 3 7 2। इन्ना लंबा किया ना, इन्ना लंबा नहीं करना। आप हुण देखो कैसे करना है इनू, 21 ते 13, ठीक है जी? सब तो पहला की करना है आप, ये दोनों मल्टीप्लाई करना है। 3 1 जा कि आ गया जी 3, 3 आ गया। हुण आप की करना है, इनू ए इनू ए 3 2 जा कि हो गया 6, 1 into 1 कि हो गया जी 1, ये आ गया 7, 7 आप लिख देंगे। फिर इतने की आ गया सी 2 1 जा 2, इतने लिखता 2, ठीक है? बस इन्नी जी कहानी है। एक बार मैं तुम्हें फिर दस दिना है, चलो फिर तो आप देखते हैं 21 into 13, ठीक है? हुण पहला आपा की करना है, ए दोनों नू मल्टीप्लाई करके इत्थे लिख देना है, ठीक है? विचकार की करना है वो मैं तुहानू दसदा है, लास्ट विच ए दोनों नू मल्टीप्लाई करके इत्थे लिख देना है, ठीक है? हुण देखो 3 1 जा 3 आ गया, ठीक है? हुण आपा की करना है, इनू 2 नू 3 दे नाल गुणा कर देना है, 1 नू 1 दे नाल गुणा कर देना है, ठीक है? उस तो बाद इना आप जोड़ कर देना है, 3 2 जा 6, 6 आ गया, 1 गुना 1 कि हो गया 1 ते 6 प्लस 1 7, ये आ गया तो 7, उस तो बाद 2 प्लस 1 करा कि आ गया 2, अपना आंसर कि हो जाएगा 273, ठीक है? हूँ आप एक दूसरा और सम ले लें, हाँ जी हूँ आप ले लें जी 23 into, चलो 12 ले लें, ठीक है? हूँ ये देखो कैसे करना है, पहले आप 23 लिखिया, फिर आप लिखता जी 12, ठीक है? पहले आप 3 2 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 हो गया, तो ये कि हो जाएगा 3 1 जा 3, 4 प्लस 3 कि हो जाएगा 7, 2 प्लस 1 कि हो गया, सॉरी 2 इंटू 1 कि हो जाएगा 2, तो अपना आंसर आ गया। हूँ इन्नी लंबी सारी कैलकुलेशन करन दी आपां नूं जरूरत ही नहीं पई, ठीक है? चलो एक होर आपां देखते हैं, 65 into 32। हूँ आपां 65 ले लिया, गुना इत्थे ले लिया जी 32, 32 ले लिया। हूँ मैं की क्या सी, सब तो पहला की करना है आपां इन्नू गुना करना है, 5 5 2 जा 10 हो गया, 5 2 10 0। हूँ बेटा आपा इत्थे हासिल इत्थे लिखना है, ठीक है? इहदा मतलब यह होया कि जिहड़ा भी नंबर हुण इत्थे आएगा उहदे च आपां 1 जोड़ देवांगे, उहदे च ऐड कर देंगे। हूँ ये कितना हो गया 3 2 जा 6 2 जा 12 हो गया, तो 3 5 जा 15 हो गया, ठीक है? 15 ए लिख लिया, 6 2 जा 12 इनू जोड़ दो कि हो जाएगा 27 प्लस 1 28, 8 इत्थे लिखता, 2 इत्थे लिखता, 6 3 जा 18 18 प्लस 2 20, ये हो गया 20, ये अपना आ गया जी आंसर। अच्छा बेटा हुण आपां मल्टीप्लीकेशन तो कर लिया, हुण आपां ये चैक करना है कि जिहड़ा आपां मल्टीप्लीकेशन कीता वो ठीक भी है कि नहीं ठीक है, वो कैसे चैक करना है ये देखो तुसीं। हुण मान लो आपां कोई फिर एक फटाफट एग्जाम्पल ले लैने कि 26 ले लिया तो आपां 13 ले लिया, ठीक है? हूँ 6 3 जा कि होया 18, 8 इतने लिखता, 1 इतने कैरी करता, हूँ
थ्री टू जा सिक्स ते सिक्स वन जा सिक्स ते छे प्लस सिक्स छे प्लस छे कितना हो गया बारह बारह जमा एक तेरह ते तीन इत्थे हो गया एक फिर इत्थे हासिल कर लिया फिर टू वन जा टू प्लस वन थ्री ये अपना आंसर आ गया। हुण आपां ये चेक करना कि ये अपना आंसर सही है या गलत है। ये वास्ते पहले आपां की किया दो जमा छे कितना हो गया अठ एक जमा तीन कर दो कितना हो गया चार। हुण आपां की करना है ये दोनों नूं गुणा कर दो आ गया अपना बत्ती। आपां फिर ये जिन्ने भी डिजिट्स होंगे इनू फिर तुसीं प्लस कर दो तीन जमा दो कितना हो गया पांच ते अपना कितना आंसर आ गया पांच। हुण आपां इनू भी सारिआं नूं जोड़ देना है तीन प्लस अठ किया ये कितना आ गया छे जमा अठ चौदह हो गया। इनू फिर आपने जोड़ देना है चार जमा एक किन्ना हो गया पांच। आपां उदों तक जोड़ते रहना जदों तक अपने कोल एक नंबर ना आ जाए ठीक है। इत्थे भी पांच सी इत्थे भी पांच है इहदा मतलब अपना आंसर बिल्कुल राइट है ठीक है। तुहानू वार वार मल्टीप्लाई करन दी लोड़ नहीं है सीधा तुहाडा आंसर एवें आ जाएगा। हुण एक होर एग्जाम्पल लै लैने आपां चलो जी हुण आपां लै लैने आ 36 इनटू चलो जी ये लै लिया आपां। हुण आओ सिक्स फाइव जा थर्टी हो गया जीरो थ्री इत्थे आ गया ठीक है। सिक्स टू जा ट्वेल्व फाइव थ्री जा फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस ट्वेल्व किन्ना हो जाएगा ट्वेंटी सैवन ट्वेंटी सैवन प्लस थ्री किन्ना हो जाएगा थर्टी फिर जीरो इत्थे रखता तीन इत्थे रखता थ्री टू जा सिक्स प्लस थ्री नाइन अपना आंसर किन्ना आ जाएगा नौ सौ ठीक है। हुण देखो हुण आपां की किया थ्री प्लस सिक्स इज इक्वल टू नाइन टू प्लस फाइव इज इक्वल टू सैवन। हुण आपां इनू गुणा कर देना है नौ गुणा तीन किन्ना हो जाएगा सिक्सटी थ्री। हुण फिर इनू प्लस करांगे तो किन्ना आ जाएगा नौ ठीक है। हुण इत्थे तुसी प्लस करोगे तो तुहानू पता है नौ प्लस जीरो नौ आ गया इहदा मतलब अपना आंसर राइट है ठीक है। अच्छा हुण एक चीज़ मैं तुहानू इहदे च होर शॉर्टकट दसदा। हुण तुसी ये देखो जदों आपने कोल छे जमा तीन नौ आ गया तो आप करना है नौ नू जीरो दे बराबर रख लेना। इट मीनस इतने जीरो हैगा इतने की हो गया सत्त सत्त गुना जीरो करांगे कितना आ जाएगा जीरो ठीक है। इहदा मतलब की होया आपां नौ नू की मान लिया जीरो मान लिया। हुण जदों इतने आप करांगे आंसर अपना कितना आया नौ तो वह कितना हो गया जीरो नाइन प्लस जीरो इज इक्वल टू नाइन तो नौ की सी जीरो के बराबर। इट मीनस कि साडा आंसर राइट है गया। एक छोटा जहा एग्जाम्पल आप होर ले लेने हूँ ये कि आ जाएगा जी पंद्रह ठीक है। पंद्रह का एक इतने हासिल करता दस हो गया फोर थ्री जा ट्वेल्व हो गया ट्वेल्व प्लस टेन किन्ना हो गया अपना ट्वेंटी टू प्लस वन ट्वेंटी थ्री इतने जी टू आ गया फोर टू जा एट नाइन टेन इन्ना आ गया। चलो जी हुण आपां इहनूं फिर चैक कर लैने। मैं तुहानूं पहले ही कहा सी फोर प्लस फाइव किन्ना हो गया नौ हो गया ना नौ नूं आपां की करना है जीरो मान लेना है। हुण आपां किसी भी नंबर नूं जदों जीरो दे नाल गुणा करांगे तो आंसर तो जीरो ही आएगा इस करके सानूं थले वाला करन दी लोड़ ही नहीं है जदों अपने कोल जीरो इत्थे आ गया ठीक है। हुण तुसीं इहनूं ही जोड़ लो एक जमा जीरो जमा तीन जमा पांच वन प्लस जीरो प्लस थ्री प्लस फाइव कितना हो गया जी नाइन विच इज़ इक्वल टू जीरो। इट मीनस कि साडा इत्थे भी जीरो आंदा पिया सी इत्थे भी जीरो आंदा सी। इट मीनस साडा आंसर वन जीरो थ्री फाइव बिल्कुल राइट है ठीक है। तो ये तुहाडे जिहड़े तुसी आसानी नाल ये चैक कर सकते हो कि तुहाडा आंसर ठीक है कि नहीं है। हुण ओके बेटा बाय मिलते हैं फिर अगली वीडियो च गुड बाय।